हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे आज ऑफ का प्रयोग या फिर यूज ऑफ कि किस कंडीशन में प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ की जाती है और नाउन और प्रोनाउन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ग्रामर का पार्ट है ये आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनका रिलेशन किसी अदर नाउन प्रोनाउन से जोड़ते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, सर्टेन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन, मतलब किसी सेंटेंस में दो नाउन है और दो ही प्रोनाउन है, उनके बीच रिलेशन जो कर रहे हैं वो कहलाते हैं हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। वैसे तो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ जाते हैं, पर मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया है, बाकी सब उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ का प्रयोग। प्रीपोजिशन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम ऑफ का प्रयोग या फिर यूज ऑफ, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ये बता देती हूँ। तो नाउन है ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, स्टेट, थिंग, etc. मतलब कोई ऐसा वर्ड या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जो किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, स्टेट या थिंग के बारे में बताता है। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो किसी पर्सन की पोजीशन, डेफिनेट पोजीशन के बारे में बता रहा है, या वो किस जगह से बिलोंग कर रहा है, वो गर्ल है या बॉय है, ये सब चीज़ें किसी सेंटेंस में आ रही हैं या फिर कोई सेंटेंस हमें बता रहा है, तो वो कहलाता है नाउन। तो ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन के लिए, प्लेस और स्टेट और थिंग के लिए बताता है, वो नाउन कहलाते हैं। नाउन होते हैं फॉलोइंग फोर टाइप के प्रोनाउन, कॉमन नाउन, ये मैंने शॉर्ट में एन लिखा है, हाँ इसका मतलब नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कितने टाइप के हो गए, पांच टाइप के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको नाउन और प्रोनाउन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको प्रीपोजिशन में टर्म्स यूज़ हो रही है नाउन एंड प्रोनाउन, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन फर्स्ट आता है, प्रॉपर नाउन, तो मैंने इसमें शॉर्ट में ट्रिक्स लिख दी हैं जिससे आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन में व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब देखो प्रॉपर नाउन ये है कि कोई भी आपका सेंटेंस है उसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर स्थान का कोई सेंटेंस है आपका, उसमें अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है या फिर ये पता चल रहा है कि वो किस स्थान से, किस प्लेस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। लाइक मोहन, सोहन, टेबल और मेरठ। मोहन क्या है, मोहन सोहन क्या है, नाम है, तो उसमें किसी पर्सन के बारे में पता चल रहा है तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन। तो मोहन सोहन या फिर कोई भी नाम, मोहन सोहन से बहुत सारे नाम है, किसी का भी नाम है तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। या फिर टेबल, ग्लास, चेयर, बोर्ड, पैन, ये सब चीज़ क्या है, प्रॉपर नाउन है। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। फिर कोई भी प्लेस है, क्योंकि कोई भी प्लेस है, सहारनपुर या फिर कुछ भी प्लेस है, वो सब भी किसके अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन, वर्ग, जाति, व्यक्ति, वस्तु। आप ये याद रखो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वर्ग, जाति, व्यक्ति, वस्तु, इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें किसी पर्सन की वर्ग, कि वो किस कास्ट का है या फिर कैसा वो व्यक्ति है, उसका नाम क्या है या फिर किसी वस्तु के बारे में चल रहा है, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे था मोहन, सोहन, टेबल, मेरठ। तो मोहन क्या है, एक लड़का है, तो नाम, अगर किसी लड़की का नाम सीता है, ठीक है, तो हमें नाम पता है सीता है, तो हमें ये है कि वो लड़की है, तो जो लड़की है कि उसका जो जेंडर है गर्ल, वो आएगा कॉमन नाउन के अंदर, लेकिन जो उसका नेम है सीता वो आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। अभी आपको जब मैं एग्जांपल पढ़ दूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कॉमन नाउन क्या है, वर्ग, जाति, व्यक्ति, वस्तु। जैसे हमारा एक जगह मोहन लिखा है, एक जगह सीमा लिखा है, दोनों नाम है मोहन और सीमा, इसमें डिफरेंस करना है। तो मोहन और सीमा ये दोनों क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन मोहन क्या है, एक बॉय है, सीमा क्या है, एक गर्ल है,
तो जो ये बॉय एंड गर्ल है ये कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन जो किसी की जाति वर्ग या जेंडर के बारे में बता रहा है, जबकि प्रॉपर नाउन किसी का नेम, किसी प्लेस का नेम या फिर कोई भी थिंग, टेबल वगैरह कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में शॉर्ट में एन लिख रही हूँ। कलेक्टिव नाउन कोई समूह या ग्रुप, इसे कलेक्टिव नाउन को आप इस तरह से याद रखो, कलेक्टिव से याद रखो कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, आर्मी का कलेक्शन, हमारी क्लास में बच्चे होते हैं तो क्लास का ग्रुप का कलेक्शन, फ्रेंड्स होते हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, ये सब लाइक आर्मी, क्लास और बाकी जो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक चेन, एक कलेक्शन ऑफ माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन हैं तो एक कलेक्शन ऑफ माउंटेन आता है हमारा चेन के अंदर। ठीक है, तो ये भी जहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा वहाँ क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट गैंग, किसी भी प्यूपल की कोई गैंग है, ठीक है गैंग है तो वो भी क्या किसके अंदर आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट बंच, बंच बोलते हैं गुच्छे को, लाइक फ्लावर्स, कीज या फिर ग्रैप्स। आप ये लगाओ जैसे चाबी होती है, चाबियों का गुच्छा होता है, तो अगर चाबी और गुच्छे की कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और आपको उसमें नाउन छांटना है तो आप क्या बताएंगे कि जो जहाँ पे भी कीज आ रहा है मतलब चाबियों का गुच्छा आ रहा है या फिर अंगूर का गुच्छा, ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कलेक्शन, किसी भी चीज़ का अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि इसमें कलेक्शन है किसी चीज़ का तो वहाँ पे आप अंडरलाइन करके एकदम बता देंगे कि वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को आपको याद रखना है मेटल से, मैटेरियल कोई भी तरह का मैटेरियल लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डायमंड। ठीक है, तो मैटेरियल नाउन की पहचान क्या होती है, जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में आपका यूज़ हो रहा है डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, कोई भी एलिमेंट यूज़ हो रहा है या फिर एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल रही है, लाइक गोल्ड है, हम रिंग है, रिंग गोल्ड से बनी है तो एक चीज़ गोल्ड किस में बदल गया, रिंग में कन्वर्ट हो गया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, मैटेरियल नाउन। जैसे दूध है, दूध से मिठाई बनी, ठीक है तो दूध किस में कन्वर्ट हो गया, मिठाई में, तो ये भी प्रोसेस या फिर ये वाला सेंटेंस मैटेरियल नाउन। तो आपका अगर कोई सेंटेंस है कि लाइक जैसे ये है यस दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है तो जो रिंग है वो मेड ऑफ किससे है, गोल्ड से बनी हुई है। तो एक चीज़ दूसरी वस्तु में जब चेंज हो रही है, दूध से मिठाई बन रही है, गोल्ड से रिंग बन रही है और जो भी बन रहा है तो वो मैटेरियल नाउन के अंदर आएगा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुण, कार्य, अवस्था, भावना, लाइक ऑनेस्टी, बिहेवियर, पॉलिसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको ऐसे याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते, जैसे किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है तो ट्रस्ट क्या है, आप देख नहीं सकते लेकिन है कि हाँ किसी के ऊपर ट्रस्ट है, तो जिस चीज़ को आप ओनली फील कर सकते हो उसे बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी पे हम बहुत भरोसा करते हैं, ऑनेस्टी, बिहेवियर या फिर पॉलिसी, ये सब चीज़ें जिसको आप ओनली फील कर सकते हो, जहाँ पे भी ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ये था अशोका वॉज ए गुड किंग, ठीक है जो अशोका थे वो बहुत अच्छे किंग थे। तो इसमें हमें अगर छांटने के लिए आ जाए कि नाउन और प्रोनाउन छांटो तो आप कैसे छांटेंगे, सबसे पहले आपको चारों दिमाग में होनी चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर नाउन देखेंगे, कोई भी सेंटेंस है आपको जो चार पांचों हैं इनको क्रम वाइज देखना है, फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर नाउन। अब सेंटेंस था अशोका वॉज ए गुड किंग, तो पूरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, तो अशोका वॉज ए गुड किंग, इसमें हमें किसके बारे में पता चल रहा है, अशोका के, तो यहाँ पे अशोका क्या हो गया, पी एन मैंने शॉर्ट में लिखा है मतलब प्रॉपर नाउन, अशोका वॉज ए गुड किंग। ठीक है, तो अशोका वॉज ए गुड किंग में हमें क्या पता चल रहा है, किसके बारे में पता चल रहा है, अशोका के बारे में, तो अशोका को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन नाउन पे, आपको पूरे सेंटेंस को देखे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है फिर पांचों
जो हमारे नाउन है उनको अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन यूज़ हो रहे हैं। प्रॉपर नाउन हमारा यूज़ हो गया। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? वर्ग, जाति, व्यक्ति के बारे में पता चलता है। तो अशोका वॉज ए गुड किंग। जो अशोका थे वो बहुत अच्छे किंग थे। तो हमें अशोका के बारे में पता चला कि वो क्या थे? किंग थे। तो किंग क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या हो गया? अशोका। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। इसमें किसी भी चीज़ का कलेक्शन नहीं दिख रहा है, ना ही कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिससे ये पता चल रहा हो कि इसमें किसी चीज़ का कलेक्शन है, तो इसमें कलेक्टिव नाउन नहीं है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। इसमें कहीं भी पता नहीं चल रहा कि किसी चीज़ का मटेरियल, ना इसमें गोल्ड यूज़ हो रहा है, ना प्लेटिनम, कोई मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा, ना ही एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल रही है, तो मटेरियल नाउन भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें किसी भी फीलिंग का, किसी भी ईमानदारी वगैरह का नहीं पता चल रहा, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। तो अशोका वॉज ए गुड किंग, इसमें हमें क्या पता चला कि सबसे पहले आपको उसको ट्रांसलेट करना है कि अशोका वॉज ए गुड किंग, कि अशोका क्या थे? बहुत अच्छे किंग थे। क्या थे? किंग। तो किंग हो गया कॉमन नाउन, और कौन थे? अशोका। तो अशोका हो गया प्रॉपर नाउन, जबकि कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है गोल्ड इज़ येल्लो, सोना पीला होता है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? किस मटेरियल? गोल्ड क्या है? मटेरियल है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता हो जाना चाहिए। बहुत छोटा सेंटेंस है कि गोल्ड इज़ येल्लो, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि गोल्ड के बारे में बता रहे हैं, किसी मैटर के बारे में बता रहे हैं, मेटल के। तो गोल्ड इज़ येल्लो, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? मैंने अंडरलाइन करके गोल्ड के नीचे लिख दिया MN। MN मतलब मटेरियल नाउन। तो गोल्ड इज़ येल्लो हमें सोने के बारे में पता चल रहा है कि सोना पीला होता है। यहाँ पे कोई और चीज़ भी होती तो भी आप क्या लिखते हैं? मटेरियल नाउन, जहाँ पे कोई भी मेटल का यूज़ हो रहा है या फिर एक चीज़ किसी दूसरी वस्तु में बदल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैंने तीन एग्जांपल थोड़े से छोटे करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ये नाउन और प्रोनाउंस के हैं। लाइक दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। ठीक है, दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। अब हमें पता चल रहा है जो दिल्ली है वो एक बहुत बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है माय रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो मेरी रिंग है वो मेड ऑफ मतलब बनी हुई है किसकी? गोल्ड की। तो हमें एक चीज़ गोल्ड में, रिंग जो है गोल्ड की बनी है, तो गोल्ड किस में कन्वर्ट हो गया? रिंग में। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ? हमारा मटेरियल नाउन। ठीक, नेक्स्ट है ट्रस्ट इज़ ए ब्यूटी। जो ट्रस्ट है वो ब्यूटी है। तो इसमें सुंदरता से कंपेयर किया है किसको? ट्रस्ट को। लेकिन हम ट्रस्ट को देख तो नहीं सकते हैं, पर फील कर सकते हैं कि हाँ हम किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हैं, तो फील कर सकते हैं। तो ऐसी जगह एब्स्ट्रैक्ट नाउन, AN मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रस्ट इज़ ए ब्यूटी। तो जहाँ पे भी ऐसे वर्ड मैंने आपको बताया था जैसे किसी गुण या फिर भावना, आप एब्स्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा अंतर याद रखो भावना। जहाँ भी किसी चीज़ की भावना का पता चल रहा है वहाँ पे होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राहुल इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय, राहुल क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो अगर आपको इसमें राहुल क्या हो गया? प्रोनाउन, लेकिन क्या है वो? अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। तो गुड बॉय क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन नाउन। अब ये था दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। हमें इसमें दिल्ली के बारे में पता चल रहा है कि दिल्ली एक बिग सिटी है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, ये थे आपके नाउन, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्रीपोजिशन। तो जो शब्द किसी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन आपको पता चल गया, तो कोई भी सेंटेंस में आपको पहले देखोगे आप नाउन प्रोनाउन कौन सा है, फिर उसमें प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ हो रही है, फिर आप प्रीपोजिशन को अच्छे से छांट लेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम प्रीपोजिशन फर्स्ट कवर करेंगे वो है ऑफ का प्रयोग या फिर यूज़ ऑफ, कि हम किस जगह ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, किस कंडीशन में, कौन कंडीशन में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो रूल जो मैंने स्टार बनाए हुए हैं वो आपके सब रूल्स हैं। तो रूल फर्स्ट है किसी बीमारी, भूख से मरने या ना मरने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा मेन मरने या फिर ना मरने के लिए। कोई भी पर्सन है वो किसी भी बीमारी से मर रहा है या भूख से मर रहा है, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे शी डाइड ऑफ कोल्डा, वह कोरोना से मर गई। ठीक है, मर गई, तो यहाँ पे डाइड। आपको बस ये याद रखना है मरने, सबसे ज़्यादा जो आपका एग्ज़ाम में आता है वो मरने पे या ना मरने वाला ही ये सेंटेंस आता है, जो आपसे करेक्शन करने के लिए आता है। आपके एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आपको ये सेंटेंस दे देंगे, यहाँ पे ऑफ की जगह
उन्होंने लगा दिया टू, ठीक है, उन्होंने ऑफ की जगह टू लगा दिया कि शी डाइड टू कोला, और इसके आगे आपको ब्रैकेट में लिख के दे देंगे करेक्शन, करेक्शन लिख देंगे या फिर आपको लिख के दे देंगे करेक्ट द सेंटेंस। एक नंबर में आता है कोई भी आपको सेंटेंस दे देंगे उसमें प्रीपोजिशन गलत लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख के देंगे करेक्ट द सेंटेंस। तो अगर आपको रूल पता होंगे, आपको पता है कि डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे टू को हटा के क्या करेंगे, ऑफ रख देंगे, तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। तो किसी भी बीमारी, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको मीनिंग निकालने पे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन किसी बीमारी से मर रहा है या फिर भूख के कारण मर रहा है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, शी डाइड ऑफ कोला, वह कोला बीमारी से मर गई, तो डाइड हो रही है, मर रही है, इसलिए प्रीपोजिशन किसका यूज़ हुआ है, ऑफ का, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट है शी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गई या फिर भूख के कारण मर गई, तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ हो रहा है। अगर उसने यही सेंटेंस एग्जाम में दिया कि शी डाइड बाय हंगर और करेक्ट द सेंटेंस लिख दिया, तो आपको पता है कि हंगर या फिर भूख से मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ हो रहा है, तो आप उस प्रीपोजिशन को सही करके क्या लिख देंगे, ऑफ लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट है, लेकिन इस रूल के साथ एक रूल जुड़ा हुआ है कि बट किसी बीमारी या भूख से पीड़ित होने के लिए विद का यूज़ करते हैं, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी बीमारी या भूख से पीड़ित होने के लिए विद का यूज़ करते हैं, दो कंडीशंस हैं आपके ऑफ का जो फर्स्ट रूल है उसमें, फर्स्ट रूल ये है कि अगर हम किसी बीमारी से पीड़ित मर रहे हैं या भूख से कोई इंसान मर गया तो हम करेंगे ऑफ का यूज़। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई बीमारी या भूख से पीड़ित है, ठीक है, पीड़ित होने किसी भी बीमारी से या भूख से और मरने में बहुत अंतर है, कि कोई पर्सन है कि भाई वो किसी बीमारी से पीड़ित है, वो जिंदा है पर पीड़ित है कि उसे वो बीमारी है या फिर वो बीमार चल रहा है तो पीड़ित हो रहा है, तब हम यूज़ करेंगे विद का। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो उस बीमारी के कारण मर गया है या भूख के कारण मर गया है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑफ का। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, लाइक एग्जांपल है शी इज़ इल विद फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, जिंदा है लेकिन क्या है, बुखार से पीड़ित है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने, विद में सर्कल बना रहे, जिससे आपको प्रीपोजिशन अलग ही चमक जाए, ठीक है। शी इज़ विल इल विद फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, मरी नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन विद का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है ही सफर्स विद निमोनिया, वह निमोनिया से पीड़ित है, कोई भी पर्सन है वो निमोनिया से पीड़ित है, तो यहाँ पे विद यूज़ हुआ है। अगर देखो इस सेंटेंस में वो आपको क्या करेगा, ही सफर्स ऑफ निमोनिया दे देगा, आप सोचेंगे कि हाँ सफर्स आ रहा है, वो किसी बीमारी से भी पीड़ित है तो ऑफ लगा देंगे। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ सफ़र वर्ड यूज़ हो रहा है, वो पीड़ित है, अगर यहाँ होता डाइड तब हम यूज़ करते ऑफ। तो रूल फर्स्ट में ये था, अगर कोई पर्सन किसी बीमारी या भूख से मर गया है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, लेकिन कोई पर्सन किसी बीमारी से या फिर हंगर या फिर भूख जिसे बोलते हैं उससे पीड़ित है तो हम विद यूज़ करेंगे। रूल नंबर सेकंड है एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने के लिए। जैसे हमने मटेरियल नाउन में पढ़ा कि अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में बदल रही है, एग्जांपल देखेंगे, जैसे दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये टेबल वुड से बनी हुई है, तो लकड़ी किस में चेंज हो गई है, वुड टेबल में या फिर चेयर में, ठीक है, तो मेड ऑफ, तो आपको प्रीपोजिशन यूज़ करनी है ऑफ। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पे अभी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड किस में कन्वर्ट हो गया, रिंग में, तो कन्वर्ट हुआ है इसलिए भी यूज़ ऑफ यूज़ करेंगे। अगर उसने यहाँ पे कोई और सी प्रीपोजिशन दे दी कि दिस रिंग इज़ मेड बाय गोल्ड, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा, हाँ कि बाय तो बिल्कुल सही लग रहा है कि दिस रिंग इज़ मेड बाय गोल्ड, लेकिन उसमें ब्रैकेट में लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, तो आपको पता है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल रही है तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगी, तो आप उस बाय को हटा के ऑफ कर देंगे। कभी कभी वो एग्जामिनर क्या है कि बिल्कुल सही प्रीपोजिशन दे देते हैं, जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड ही दे दिया, इसके आगे लिख दिया करेक्ट द सेंटेंस, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें रिंग जो है, गोल्ड जो है, वो रिंग में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे ऑफ ही यूज़ हो रहा है, तो आप उसमें कुछ करेक्शन या फिर कुछ भी सही नहीं करेंगे।
दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर्स, ये बुक पेपर्स की बनी हुई है. बहुत सारे पेपर हैं, हमने उनको बाइंड करा लिया एक बुक में या फिर एक नोट्स बुक में कन्वर्ट कर लिया. तो पेपर्स को बाइंड करवा के वो बुक में कन्वर्ट हो गई. तो एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो गई, पेपर्स बुक में बदल गए. तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे. मैं सर्किल कर रही हूँ जिससे आपको प्रीपोजिशन अलग दिख जाए. वैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. रूल नंबर थर्ड है किसी सीमा सर्किल में दायरे से बाहर जाने के लिए. सीमा सर्किल दायरे, इसका मतलब है एक रूम से अगर हम दूसरे रूम में भी जा रहे हैं तो एक तरह हम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं. एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, अपने स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, किसी फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, मतलब किसी सर्टेन, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं किसी चीज़ से बाहर निकलूँ, इस रूम से बाहर निकलूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक इस रूम से, एक सर्किल या दायरे से बाहर निकल रही हूँ. तो इस जगह भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे. इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं रूल नंबर थर्ड के. शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर निकल गई. कोई भी है, शी लड़की है कोई, वो किसी रूम से बाहर निकल गई. तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल, किसी भी मतलब सर्टेन निश्चित जगह से कोई पर्सन बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा. ही वेंट आउट ऑफ द विलेज, वह विलेज से चला गया. ठीक है, तो वो एक मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज में गया, तो उसने मतलब एक तरह से सर्किल या फिर दायरे को क्रॉस किया, एक जगह से दूसरी जगह गया. तो इसमें भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा. नेक्स्ट रूल है आपका, ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं और वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर देना है. बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान. अगर किसी सेंटेंस पे बीवेयर ऑफ, एफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, केयर ऑफ, सर्टेन ऑफ या फिर जेलस ऑफ, मैंने इन सब के मीनिंग आपको हिंदी में लिख दिए हैं. बिवेयर ऑफ का सावधान, टायर्ड ऑफ का थकना, केयर ऑफ का मतलब केयर करना, सर्टेन माने होता है निश्चित. कोई भी आपको सेंटेंस दिया है उसमें इन सब में से कोई भी एक वर्ड आ रहा है तो आपको बिना देखे ऑफ लगा देना है, पर एक बार चेक कर लेना है कि उसमें पहले से ऑफ तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि सही सेंटेंस देके करेक्ट द सेंटेंस लिख देते हैं कभी कभी. तो आपको बस इन वर्ड्स पे ध्यान देना है. अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है. जैसे सेंटेंस, इसके एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है, कि मुझे तुमसे डर लगता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ हुआ. शी इज़ प्राउड ऑफ हर फादर, उसे अपने पापा पे प्राउड है. तो प्राउड ऑफ आपको वर्ड दिख रहा है पूरा, वहाँ पे वो ऑफ की जगह अगर इसने टू दे दिया, जैसे शी इज़ प्राउड टू हर फादर. लेकिन आपको पता है कि जहाँ भी प्राउड वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, तो आप वो प्राउड हटा के कर देंगे यहाँ पर ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट है आई एम सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, कि उसकी सक्सेस, वो अब सफल होगी ये निश्चित बात है, या फिर वो ये निश्चित है कि वो सफल होगी, तो सर्टेन आ रहा है. तो सर्टेन वर्ड ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन. बिवेयर ऑफ द मैड डॉग्स, डॉग्स पागल कुत्तों से दूर रहना चाहिए, तो यहाँ बिवेयर यूज़ हो रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा. नेक्स्ट है शी इज़ टायर्ड ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से थक चुका है या थक चुकी है, तो टायर्ड आ रहा है तो उसके साथ प्रीपोजिशन हो जाएगी ऑफ यूज़. ये थे आपके ऑफ के प्रयोग के चार रूल, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ. रूल नंबर फर्स्ट था कोई भी पर्सन किसी बीमारी से या भूख से मर रहा है, मर गया है, तो आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे. लेकिन कोई पर्सन बीमारी या भूख से पीड़ित है, मरा नहीं है, तो आप विद का प्रयोग करेंगे. इस दोनों से आप रूल में कन्फ्यूज मत होना का, कोई मर रहा है या नहीं मर रहा है तो यूज़ करेंगे ऑफ. लेकिन कोई पीड़ित है, जहाँ भी सफ़र वर्ड यूज़ हो जाएगा वहाँ आप सफ़र माने पीड़ित, तो वहाँ आप विथ का यूज़ करेंगे. रूल नंबर सेकंड था एक वस्तु दूसरे वस्तु में चेंज हो रही है, जैसे दूध से मिठाई बन रही है, ठीक है, या फिर टेबल वुड से, लकड़ियों से फर्नीचर बन गया, तो क्या हुआ, लकड़ी फर्नीचर में चेंज हो गई, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन ऑफ. किसी सीमा सर्किल दायरे से बाहर जाने के लिए, किसी सर्टेन प्लेस से आप उसको क्रॉस करके बाहर जा रहे हो, एक विलेज से दूसरे विलेज जा रहे हो, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, तो आप एक सर्किल को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हमारा क्या यूज़ होगा, प्रीपोजिशन ऑफ. और ये कुछ वर्ड हैं बिवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, केयर ऑफ, सर्टेन ऑफ, जेलस ऑफ. ये वर्ड आप किसी भी सेंटेंस में अगर आते हैं तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है. फिर नाउन थी प्रॉपर नाउन, इसमें किसी व्यक्ति, प्लेस या वस्तु के बारे में पता चलता है. कॉमन नाउन,
कि जैसे मोहन है तो वो क्या है, लड़का है, तो उसके जेंडर का पता चल रहा है, तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन को आप याद रखेंगे एक तरह से कलेक्शन, किसी भी आर्मी का, क्लास का, फ्रेंड्स का ग्रुप, या फिर कीज का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। मेटीरियल नाउन, जहाँ भी मेटीरियल यूज हो रहा है, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, कॉपर, कुछ भी मेटल यूज हो रहा है, या फिर एक चीज दूसरी चीज में बदल रही है, वहां मेटीरियल नाउन। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, कोई भी गुड, ऑनेस्टी, पॉलिसी, ट्रस्ट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये थे आपके नाउन के एग्जाम्पल और ये थे आपके प्रीपोजिशन ऑफ के। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।